चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे लखनऊ स्टूडियोज में वरिष्ठ पत्रकार शुभात मिश्रा जी हैं और हमारे साथ बद्री प्रसाद सिंह साहब भी हैं। आप आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, सीनियर आईपीएस अफसर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो इनके मजबूत कंधों पर आश्रित है। आप सभी लोगों से हम एक एक करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सीओ सदर के पद पर तैनात वीके शर्मा ने सूबे के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अम्बरीश चंद्र शर्मा पर पैसे लेकर काम करने जैसा गंभीर आरोप लगा दिया है। शर्मा ने कहा है कि यहां सिर्फ आला अधिकारियों का राज चलता है, छोटे अधिकारियों की सुनवाई होती नहीं। एटा जिले में क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात वीके शर्मा बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शर्मा ने कहा कि सूबे में प्रदेश के पुलिस विभाग का मुखिया यानी डीजीपी वो महाभ्रष्ट है, वो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। इसके अलावा जिले के बड़े अधिकारी हमेशा अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। अपनी आप बीती सुनाते हुए शर्मा, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एटा जिले में तैनात सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, नाम है वीके शर्मा। शर्मा जी ने आरोप लगाया कि उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, यहां तक कि उनका वेतन 3 महीने से रोक दिया गया। शर्मा अपनी परेशानियों को लेकर कई आला अधिकारियों को चिट्ठी लिख चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शर्मा ने एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी पर सपा के स्थानीय नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है, जबकि एसएसपी एटा अजय मोहन शर्मा ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। यह इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के एटा में कार्यरत सर्किल ऑफिसर, प्रदेश पुलिस का जो अधिकारी है, सीओ के पद पर तैनात वीके शर्मा, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि वो महाभ्रष्ट हैं, पैसे लेकर कोई काम नहीं करते, पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते। प्रदेश में आला अधिकारियों का राज चलता है, छोटे अधिकारियों की सुनवाई होती नहीं। समाचार प्लस से बातचीत में वीके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पुलिस विभाग का मुखिया ही भ्रष्ट है, वो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। जिले के बड़े अधिकारी हमेशा अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, एसएसपी के ऊपर आरोप लगाए हैं वीके शर्मा ने, एक सीओ ने एक एसएसपी के ऊपर आरोप लगाए कि एसएसपी अजय मोहन शर्मा, एसएसपी अजय मोहन शर्मा जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। वीके शर्मा ने क्या आरोप लगाए हैं पहले वो आपको सुनवाते हैं। शासनिक व्यवस्था जो है, जो गवर्नमेंट का आधार है, डीजीपी है, डीजीपी के आधार में, मतलब क्या कह रहे हैं, डीजीपी के अधिकारी डिप्टी इंस्पेक्टर की तरफ से होते हैं। डीजीपी जो चाहता है वो करता है, डीजीपी को जो पैसा नहीं देता है, पैसा नहीं भिजवाता, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक जो नियम कानून है उसमें देख लीजिए, प्रकाश सिंह जी जन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 2 साल तक ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, कोई अगर किसी की बोल रही है। उसके बाद में ट्रांसफर ऑर्डर आप देख लीजिए कि कितने आदमियों को 3 महीने में ट्रांसफर किया, मेरे ही 11 महीने में 5 ट्रांसफर किए गए, जबकि मेरा अभी मतलब कोई वो नहीं है, मेरा आज तक कोई जब तक प्रमोशन नहीं हुआ मेरे को एडवांस रिमार्क कोई वो नहीं है। कह रहे 11 महीने में मेरे 5 ट्रांसफर हुए। और इस वक्त जो हम बता दें आपको, थोड़ा सुधार करना चाहेंगे कि वीके शर्मा वो अलीगढ़ पीएसी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हैं, 11 महीने में 5 ट्रांसफर वो झेल चुके हैं। इसके पहले एटा के सीओ थे, कह रहे हैं कि डीजीपी अम्बरीश शर्मा जो है वो भ्रष्ट है और बिना पैसा लिए कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं होता, अगर आपको पैसा नहीं देना तो फिर जो हो रहा है उसको भुगतते रहिए। इस पूरे आरोपों का किस तरह से प्रमुख सचिव गृह अरविंद श्रीवास्तव साहब ने इन तमाम आरोपों को नकारा है, क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। सैलरी क्यों नहीं मिली, इसके कारण में भी, इसके कारण के तह में भी जाना आवश्यक। उनको स्थानांतरण आदेश प्राप्त हुआ, स्थानांतरण पे तो वो नहीं गए, वो घर बैठे रहे जहां पर उनको ज्वाइन करना चाहिए था, जहां पे उनको अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जहां पे उनको ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए, वहां वो गए नहीं।
और फिर पलट करके उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। जी, तो एक तरफ से आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ से बचाव हो रहा है। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि साहब जो किया जा रहा है सीओ के द्वारा या इस पीपीएस अधिकारी के द्वारा, ये सही नहीं है। जहां जाना चाहिए था वहां ये गए नहीं, इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर श्री बीपी सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्री विजय कुमार शर्मा जी, ये पहले कानपुर में सीओ जब थे तब इनको मीटिंग में बुलाया गया, तो सन 11 की बात में बताऊं, थोड़ा बैक में जा रहा हूं, 20/6/11 की बात है। आईजी ने बुलाया था मीटिंग में, मीटिंग में नहीं गए, मीटिंग समाप्त होने के बाद पहुंचे। जब इनसे कारण पूछा गया तो इन्होंने अनुशासनहीनतापूर्ण जवाब दिए, जिसके प्रतिस्वरूप इनका स्थानांतरण कर दिया गया। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से स्टे मिला। बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि इनको इनका घर आगरा है, उसके पास कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए, जिसके कारण इनको 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ स्थानांतरित किया गया। फिर इनका स्थानांतरण अलीगढ़ से गाजीपुर किया गया। ये जब डीजीपी श्री अम्बरीश चंद शर्मा साहब आए तो इनके प्रार्थना पत्र के अनुसार इनका घर आगरा था, तो आगरा के बगल में इनको अलीगढ़ पुनः नियुक्त कर दिया गया, इनको एटा नियुक्त किया गया जनपद पुलिस में। तो ये कहना कि भ्रष्ट हैं, जब इनको जिला दिया गया था तब इन्होंने आरोप नहीं लगाया। घर के पास आज गाजीपुर से इनको लाया गया था एटा, वहां जिले में काम कर रहे थे। जब वहां काम नहीं किया, इनके एसपी ने, इनके डीआईजी आईजी ने इनके खिलाफ शिकायत की, इसके आधार पर इनका स्थानांतरण कर दिया गया। ये पुनः हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि डीजीपी इनका प्रकरण निस्तारण करें। डीजीपी ने इनका प्रकरण निस्तारित करते हुए इनका जो ट्रांसफर हुआ था अलीगढ़, इस आधार पर कायम रखा कि चूंकि आगरा के रहने वाले हैं और रिटायरमेंट इनका नजदीक है, तो घर के पास इनको अलीगढ़ कर दिया जाता है। ये इस प्रकार से 4-5 ट्रांसफर की जो बात करते हैं ये हुआ। इनकी अनुशासनहीनता के कारण इनको पिछली सरकार में भी दूसरा कोई आईजी था तब भी इनका ट्रांसफर हुआ था। इनकी अनुशासनहीनता के आधार पर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या इनकी सीआर रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि कराई गई? जब शिकायत पुनः इनकी हुई, नहीं ट्रांस नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये को स्थानांतरित कर दिया गया दूसरे स्थान पे। इसके पश्चात इनको एटा दिया गया, एटा में काम नहीं किया, फिर वहां के सुपरवाइजरी अफसरों ने जब शिकायत की तो इनको अलीगढ़ पीएसी कर दिया गया। अलीगढ़ आगरा के नजदीक है, इसलिए कि घर में इनको कोई दिक्कत न हो। इसके बाद भी इन्होंने ज्वाइन नहीं, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इनका रिजेक्ट कर दिया पिटिशन। और फिर 2 महीना 10 दिन बाद ये पीएसी ज्वाइन किए, तब तक इनको श्री अम्बरीश चंद्र शर्मा डीजीपी बेईमान नहीं नजर आ रहे थे। जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो बेईमानी आ गई। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये एक बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का मामला है। अगर ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का मामला है सिंह साहब, एक पुलिस का अधिकारी अगर प्रदेश के सबसे ऊंचे ओहदे पर काबिज डीजीपी जैसे इतने बड़े अधिकारी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाता है, तो क्या अनुशासनहीनता सबसे बड़ी नहीं है? अगर अनुशासनहीनता का जो ग्रेटिट्यूड है वो बहुत बड़ा है, तो इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई या आगे होने वाली है? ये जो है आज आरोप इन्होंने लगाया है, अनुशासनहीनता आज इन्होंने की है, तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो विभागीय नियम है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब तक ये जिले में थे तब तक इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। 2 महीना 10 दिन तक गैर हाजिर रहे, कोई आरोप नहीं लगाया जी। सस्पेंड होंगे ये? ये शासन के ऊपर निर्भर करता है, यहां से रिपोर्ट जा चुकी है। सस्पेंड निलंबन करना शासन का कार्य है, शासन इस पर विचार करेगा। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुभाष मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरी बातचीत में आईजी साहब के साथ मुझे दो बातें समझ में आई, वो ये
कि जो एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं, स्पेशल फोर्सेस में लोगों का, अधिकारियों का रुझान ज्यादा नहीं रहता और जिले में ज्यादा मलाई रहती है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है वो यहां पर नजर आ रही है। और ये बात खुद आईजी साहब की इस बातों से समझ में आ रहा है कि जब तक वो जिले में थे तब तक खुश थे, स्पेशल फोर्सेज में भेजे गए तो पेट में दर्द होने लगा, दुनिया भ्रष्ट नजर आने लगी। यानी ये है कि जिले में पुलिस वाले मलाई काटते हैं। नहीं, मैं तो जी एक शायद कहना चाहूंगा कि जैसे आईजी साहब भी कह रहे हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी कह रहे हैं कि साहब 2011 से उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, इनडिसिप्लिन कर रहे थे, तो कर रहे थे तो आपने कार्रवाई कोई उनके खिलाफ क्यों नहीं की? आज जब उन्होंने अचानक एकदम डीजीपी के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने एक आक्षेप लगा दिया, चार्ज लगा दिया, जो मैं अतुल जी कहूंगा अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक जितने दिनों से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, किसी भी गेस्टेड ऑफिसर ने इस तरह से डीजीपी के ऊपर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप नहीं लगाए। अगर वीके शर्मा के आरोप सही हैं या उनकी पीड़ा में कहीं ना कोई बात सही है तो ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है प्रदेश सरकार के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए और डीजीपी के लिए स्वयं। इसलिए मैं और कहूंगा डीजीपी के लिए स्वयं, क्या ये बात इसके पहले भी आप देख लीजिए, अमरीश चंद शर्मा के को लेकर के कोई ये नहीं कहता कि बहुत तेज तर्रार ऑफिसर हैं, क्या उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें पहले भी नहीं मिलती रही हैं? प्रदेश देख रहे हैं कि सात महीने में सात जगह दंगा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता उनके पास वीके शर्मा के भ्रष्टाचार के आरोप सही है, लेकिन ये बात जरूर है कि अमरीश शर्मा की कार्यप्रणाली से प्रदेश सरकार को और प्रदेश को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। और ये बात जो आज आई है इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप, ये पुलिस प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, डीजीपी साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैं बेबस हूं, लाचार हूं, और ये बात जो उन्होंने कही वो फैजाबाद में कथित कम्युनल राइट्स के बाद के दौरान ये बयान दिया उन्होंने, और शनिवार को हमने इस मुद्दे पर एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी किया था, उसमें पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह साहब को भी हमने बुलाया था। प्रकाश सिंह साहब जो अपने जमाने के एक बहुत तगड़े, बहुत कद्दावर और बहुत सफल डीजीपी माने जाते रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कमांडर ही हथियार डाल देगा तो फिर फौज 2 लाख लोगों का, कि पुलिस कर्मियों की फौज का जो लीडर अगर वो हथियार डाल देगा तो फिर पुलिस का मनोबल तो गिरेगा ही गिरेगा। और अब इस तरह के आरोप, और अब ये बात हो रही है कि साहब हम वीके शर्मा के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेंगे, तो जो आरोप लगे हैं क्या उन आरोपों की सत्यता की जांच नहीं होनी चाहिए कि शर्मा जी वाकई भ्रष्ट हैं या नहीं है? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि वाल्मीकि ने अपने राम से कहलवाया कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं लोक निंदा से डरता हूं। शर्मा जी के लिए मेरी सलाह ये है डीजीपी के लिए कि लोक निंदा का ख्याल करें। ये जो अधिकारी है पुलिस का, जो अब पीएसी में तैनात किया जिसको इन लोगों ने, जिसने आज आरोप लगाया, मैं इसमें एक मूल बात समझ पाया अभी तक, जिससे जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ बैठे हैं इनकी बात की प्रामाणिकता की कसौटी हो जाएगी वो बात। इनके मुताबिक ये जो अधिकारी है जिसने आज आरोप लगाया, यह आरंभ से ही अनुशासनहीन है। इन्होंने कई दृष्टांत भी बताए कि कई अवसरों पर वह पुलिस के जो अनुशासन की लक्ष्मण रेखा है उसको लांघते रहे, और लांघते रहे तो इसलिए इनका ट्रांसफर होता रहा। ठीक बात, यानी इन्होंने ट्रांसफर की वजह बताई कि अनुशासनहीन अधिकारी। अगर यह इतने लंबे अरसे से अनुशासनहीन अधिकारी है और तमाम आईजी डीआईजी डीजीपी इनके टेन्योर में आए गए होंगे और सब इनको जानते रहे कि भाई ये आदमी नाफरमानी करने वाला अधिकारी है, तो इनकी सीआर में कहीं एंट्री तो हुई होगी। और ये अधिकारी कह रहा है कि भाई मेरे 11 साल में 5 साल में 11 ट्रांसफर हुए और उसमें मेरी सीआर में कोई एंट्री नहीं हुई। जी। तो ये एक मूल कसौटी का बिंदु बनता है कि क्या इस अधिकारी की सीआर में इनके सुपरवाइजर जो अधिकारी थे, इनके ऊपर के जो बॉसेस थे, एसएसपी हो जाए, डीआईजी, आईजी या डीजीपी मुख्यालय, किसी स्तर पर यह टिप्पणियां दर्ज की गई है क्या? क्योंकि ये टिप्पणियां अगर दर्ज की गई होंगी तो ये ना तो मिट सकती है ना इन पर स्याही फेरी जा सकती है। ठीक बात, ये तो लिखत पढ़त में होंगी तो होंगी और नहीं होंगी तो अब की भी नहीं जा सकती। तो इससे प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी कि ये अधिकारी कैसा है। और अगर इसकी सीआर में एंट्री नहीं है तब मैं इसके आरोपों को वजनदार मानूंगा। तब मैं आईजी लॉयड ऑर्डर साहब जो है हमारे, इनके बीपी सिंह साहब, इनकी बात में उतना वजन फिर मुझे नहीं लगेगा। फिर मैं कहूंगा कि इस अधिकारी की बात में दम है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जी, क्योंकि अगर कोई अधिकारी फोर्स में लगातार अनुशासन को लांघ रहा हो और उसकी सीआर में एंट्री नहीं हो, ये संभव नहीं।
और अगर नहीं हुआ तो इनके सारे अधिकारी भी पूर्ववर्ती दोषी हैं कि एक अनुशासनहीन